डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 118 बोतल अंग्रेजी शराब भरकर एक कार जो गुजरात की ओर जा रही थी उस पर कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों समेत पकड़ने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी 84 ने बताया कि शराब शातिर तस्करों ने कार में गुप्त रूप से छुपाकर ले जाई जा रही थी। आरंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध शराब जिसकी बाजार में करीब 3 लाख रुपए के आसपास कीमत है उदयपुर से भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। कार समेत शराब जब्त करते हुए मामला दर्ज कर 84 थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टाइम 8 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 118 बोतल अंग्रेजी शराब भरकर एक कार जो गुजरात की ओर जा रही थी उस पर कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों समेत पकड़ने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी 84 ने बताया कि शराब शातिर तस्करों ने कार में गुप्त रूप से छुपाकर ले जाई जा रही थी। आरंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध शराब जिसकी बाजार में करीब 3 लाख रुपए के आसपास कीमत है उदयपुर से भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। कार समेत शराब जब्त करते हुए मामला दर्ज कर 84 थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टाइम 8 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 118 बोतल अंग्रेजी शराब भरकर एक कार जो गुजरात की ओर जा रही थी उस पर कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों समेत पकड़ने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी 84 ने बताया कि शराब शातिर तस्करों ने कार में गुप्त रूप से छुपाकर ले जाई जा रही थी। आरंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध शराब जिसकी बाजार में करीब 3 लाख रुपए के आसपास कीमत है उदयपुर से भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। कार समेत शराब जब्त करते हुए मामला दर्ज कर 84 थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टाइम 8 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का।